सीएम से शिकायत के बाद टी गार्ड फर्जीवाड़े के जाशरू मोहनलालगंज विकासखंड के दक्षिणा शेखपुर गांव में 2018-19 में मनरेगा योजना के तहत मुख्य मार्ग पर 18 ट्री गार्ड लगाकर तत्कालीन प्रधान ने फर्जीवाड़ा करते हुए 100 ट्री गार्ड का लाखों रुपए का फर्जी भुगतान कर पैसा गबन कर लिया। पूरे मामले का पता चलने पर वैदिक आश्रम के अध्यक्ष उमाशंकर त्रिवेदी ने मुख्यमंत्री जिलाधिकारी डीसी मनरेगा लोकायुक्त को पत्र भेजकर जांच कर ट्री गार्ड के नाम पर फर्जीवाड़ा कर सरकारी धन का गबन करने वाले पूर्व प्रधान पर कार्रवाई की मांग की। शिकायत के बाद उच्चाधिकारी के निर्देश पर बीडीओ आशुतोष कुमार श्रीवास्तव ने जांच टीम का गठन करते हुए एपीओ मनरेगा उदयराज शर्मा व जेई रविन्द्र यादव को बुधवार को मौके पर स्थलीय जांच के लिए भेजा। मौके पर पहुंची टीम ने शिकायतकर्ता उमाशंकर त्रिवेदी समेत ग्रामीणों की मौजूदगी में जांच की तो तत्कालीन प्रधान द्वारा किए गए फर्जीवाड़े व सरकारी पैसों के गबन की पोल खुल गई। दोनों ही अधिकारियों ने कहा कि पूरे मामले की रिपोर्ट बनाकर कार्रवाई के लिए बीडीओ को सौंपा जाएगा। से माननीय उमाशंकर त्रिवेदी जी जो वैदिक आश्रम के जज भी हैं उनके द्वारा एक शिकायत की गई है जिसकी जांच प्रथम दिन हम लोग आके देखे हैं। अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जो भी होगा निष्कर्ष वो बाद में आपको सूचना दी जाएगी। किस तरीके का प्रकरण आपके सामने आया है जो आपने जांच पड़ताल की, क्या लगा है, क्या है इसमें? इसमें जो उमाशंकर त्रिवेदी जी का शिकायती पत्र मिला है उसमें उन्होंने कुछ चीज़ों का उल्लेख किया है कि 18 ट्री गार्ड के स्थान पर 82 अधिक करते हुए 100 ट्री गार्ड का भुगतान कराया गया है। उसी का उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज प्रथम दिवस यहाँ पर आके देखे हैं। अभी इसमें कई चीज़ों का पहलू लेना अभी बाकी है, जैसे भी पहलू आएंगे वो आपको बताएंगे। साक्ष्य के हिसाब से आपसे कुछ समझ में आया? अभी कुछ नहीं मैं कह सकता इसमें। सर कितने पौधों की बात हो रही है यहाँ पर लगे थे? एक्चुअल में सर साइट डिसाइड नहीं है तो जिन्हें पौधों के बारे में हम लोग कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि जो आईडी बनी है ग्राम पंचायत के नाम से बनी है। इसको हम स्पेसिफाइड लोकेशन तक पहुँचे कि कहाँ का उन्होंने भुगतान किया है और किसका नहीं किया है। आपका ये कहना है कि 88 यहाँ थे। जांच के बाद सर क्या जांच के बाद उन लोगों का भी पक्ष लिया जाएगा। जो कर्मचारी थे और प्रधान जी थे उनको भी हम लोग नोटिस जारी करेंगे कि अपना पक्ष रखें कि किस भुगतान आपने सही किया गलत किया, इसके बारे में जो उनका पक्ष आता है फिर जांच प्रथम दृष्टि आज पहला निरीक्षण है। इसके बाद जैसी भी जानकारी होगी आपको उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू। उमाशंकर त्रिवेदी वैदिक आश्रम संस्था दक्षिणा शेखपुर का अध्यक्ष। पौधों को लेकर क्या मामला चल रहा है? जैसे ग्राम पंचायत के पौधे देखे गए रोड पे। हमने लखनऊ राजवेली रोड से वैदिक आश्रम शेखपुर गांव जाने वाली रोड के किनारे दोनों तरफ 10 मीटर की दूरी पर पीपल, पाकर, बरगद, गुलर, नीम इस तरह के 82 पौधे लगवाए। बाद में उनके ट्रिगार्ड बनवाए। दो तीन साल उनकी सिंचाई करवाए, देख रेख करते रहे। फिर अच्छा हमारा स्वास्थ्य काफ़ी गड़बड़ कर गया। लगभग 2.5 साल हम अनफिट पोजिशन पर रहे। ऐसे में आश्रम वगैरह सब काफ़ी जर्जर स्थिति में हो गया। पेड़ पौधे भी काफ़ी सूख गए, कुछ बचे सूख गए। अभी थोड़े समय पहले जब कुछ स्वास्थ्य में सुधार हुआ तो हमें जानकारी मिली कि तत्कालीन प्रधान द्वारा मनरेगा योजना के तहत इन 82 ब्रिगार्ड जो हमारे द्वारा बनाए गए थे इनका भुगतान करवा लिया। इसकी शिकायत आपने कहीं की? इसकी शिकायत हमने सीएम पोर्टल पर ऑनलाइन की, लोकायुक्त को रजिस्ट्री द्वारा की, डीएम को रजिस्ट्री द्वारा की, सीडीओ लखनऊ को रजिस्ट्री द्वारा की, डीसी मनरेगा को रजिस्ट्री द्वारा की। आज जांच के लिए कौन अधिकारी आए थे? आज जांच के लिए एपीओ मनरेगा और जेआरएस आए थे। जांच में क्या बात हुई है? जांच में हमने अपनी बात बताई इनको कि थाले सब दिखाए, कुछ गिर गए थे, जर्जर पोजिशन में खड़े थे, कुछ पेड़ थे उनमें, वो सब हम मौके पर जाके दिखाए। अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है आपको? अधिकारियों ने हमें ये कहा है कि हम उस समय जो टेक्निकल स्टाफ था उसको चिट्ठी लिखेंगे और चिट्ठी लिख के बुला के उनका विपक्ष समझ के उसके बाद फिर हम दोनों पक्षों को
सुन के समझ के लोगों को बयान लेके उसके बाद अपनी जांच रिपोर्ट लगाएंगे।